हेलो बच्चों, तो क्लास टेंथ के सभी बच्चे जो अपने एग्जाम्स देकर क्लास इलेवेंथ की नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास इलेवेंथ में आपको पढ़ना पड़ेगा एक सब्जेक्ट जिसका नाम होगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक सब्जेक्ट सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही नहीं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, और इनफैक्ट कुछ साइंस स्टूडेंट्स भी इकोनॉमिक्स ऑप्ट करते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक्स की अपनी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं और बिल्कुल सही चैनल पर हैं। इस साल यानी कि 2022 एंड 23 में हमारा इकोनॉमिक्स का पूरा स्टडी आपके साथ होगा, और वो भी आपके इसी चैनल पर। आज की इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा इकोनॉमिक्स की दुनिया में। इकोनॉमिक्स ये वर्ड शायद आपने पहले सुन रखा हो, पर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं क्लास इलेवेंथ का इकोनॉमिक्स पता है आपको बिल्कुल कैसा लगेगा, जैसा बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे। तो इकोनॉमिक्स इज कॉमिक्स ओनली, बड़ा मजा आएगा। और इसके अंदर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारा सिलेबस क्या है, पेपर कैसा हमसे पूछेगा, और पूरे फाइनल एग्जाम्स की तैयारी हम कैसे साथ साथ करेंगे। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना और बने रहना, और कमेंट करके जरूर बताना क्या आपने कुछ स्टडीज अभी तक स्टार्ट करी इकोनॉमिक्स की या नहीं। आप बच्चे क्लास इलेवेंथ के न्यू बच्चे बिल्कुल, और आपने सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम है इकोनॉमिक्स, राइट? तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में सिलेबस क्या होता है, उस सिलेबस में कैसे कैसे चैप्टर्स हमको पढ़ने को मिलेंगे, और जो हमारा एग्ज़ाम होगा फाइनल एग्ज़ाम, उस फाइनल एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न कैसा होता है। एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे जस्ट कि आपको एक मेंटल फ्रेमवर्क तैयार हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है वो होता है 80 मार्क्स का, मतलब ये पूरा इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, सब्जेक्ट है, ये 80 मार्क्स का है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक पार्ट को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स और दूसरे पार्ट को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली आप समझ लो कि आपको दो चीज़ें पढ़नी है मेनली, एक है स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको दो मेन यूनिट्स कवर करवाए जाते हैं, एक तो है इंट्रोडक्शन और एक कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, जिसकी वेटेज दे रखी है 15 नंबर की, राइट? और जो दूसरा आपका यूनिट है स्टेटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन, उसकी वेटेज है 25 नंबर की। तो 15 एंड 25, तो दैट इज हो गया 40 मार्क्स का, राइट? तो स्टेटिस्टिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा 40 नंबर का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको चार यूनिट्स पढ़ने पड़ते हैं, इंट्रोडक्शन होता है इसमें 4 नंबर का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड ये होता है आपका 15 मार्क्स का पूरा यूनिट, एंड देन अगेन थर्ड यूनिट प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई ये भी होता है 15 नंबर का, एंड लास्ट यूनिट होता है 6 नंबर का। तो टोटल आपका कितना बन गया 40। तो बेसिकली 40 आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, 40 आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। तो अभी आप मुझे बताओ कि आपको फॉर्मूलेज पसंद है, जैसे मैथमेटिक्स में आप देखते हो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूलों के बेस पे क्वेश्चन होता है, वो सब करना आपको पसंद है थोड़ा थोड़ा? तो स्टैटिस्टिक्स जो पोर्शन है, ये वाला पहला वाला पोर्शन, इस पोर्शन के अंदर आपका मेनली जो काम है वो फॉर्मूलेस का है, यानी कि इस पर हमको ज़्यादा फोकस जो करना होता है वो करना होता है फॉर्मूले और उनके एप्लीकेशन पर। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ये पोर्शन होता है हमारा थोड़ा सा एनालिटिकल, जिसमें हमको ऐसा फॉर्मूला लर्न नहीं करना, लेकिन कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है। इसमें हमारा रोल होता है डायग्राम्स का। आपने कभी डायग्राम्स बनाए हैं क्या कभी, पहले टेंथ में होते थे डायग्राम्स? कुछ नहीं होते थे, ज़्यादा नहीं होते थे, बट अभी इसमें बनाने पड़ेंगे, डायग्राम्स होंगे जो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे कैसे रहता है, राइट? तो पहले इतना क्लियर हो गया। तो दो आपके पार्ट्स रहेंगे, स्टैटिस्टिक्स का और माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और 20 मार्क्स का आपका होगा एक प्रोजेक्ट वर्क, जो आपको स्कूल में आपको गाइड करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट वर्क आपको क्या बनाना है। 20 मार्क्स इज फॉर प्रोजेक्ट। एक बार ब्रीफ ओवरव्यू बता देता हूँ बस मैं आपको, जो स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताया उसके अंदर यूनिट वन है इंट्रोडक्शन का, ये बेसिक एक थ्योरी चैप्टर होगा, ज़्यादा इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, तो इट इज़ एन ईजी यूनिट, वेरी ईजी यूनिट। दूसरा है हमारा कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसके अंदर भी आप समझ लो कि मेनली हमें थ्योरेटिकल बातें ही कवर करनी होंगी, इसमें ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल है नहीं, तो ये भी हमारा एक ईजी यूनिट और ईजी चैप्टर्स इसके अंदर कंसिडर कर लेते रहेंगे।
फिर धीरे धीरे हमारे डायग्राम्स जो है स्टेटिस्टिक्स में वो आपके प्रेजेंटेशन वाले चैप्टर से शुरू होंगे, तो इसमें हमको कुछ ग्राफ्स बनाने होंगे, कुछ डायग्राम्स बनाने होंगे। और जो हमारा थर्ड यूनिट है, मेनली बड़ा यूनिट है, जो 25 नंबर वाला यूनिट है, उसके अंदर हमको सारे के सारे फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आपने शायद टेंथ में पढ़ा हो, अर्थमेटिक मीन सुना है आपने, पढ़ रखा है, राइट, चलो सही हो गया। मीडियन सुना है आपने, मीडियन नहीं सुना, सुना है, अच्छा सुना है, ठीक है। मोड सुना है, मोड सुना है, तो ये सब फॉर्मूलेज होते थे, याद है ना, अलग अलग फॉर्मूलेज होते थे। तो ये पूरा यूनिट जो है ये फॉर्मूला बेस्ड यूनिट है, ऐसी इसमें कोरिलेशन है, उसके अलग अलग मेथड्स आपको पढ़ाएंगे, तो ये पूरा यूनिट फॉर्मूले पर बेस्ड होगा, जो हमारे लिए एग्जाम के लिए बड़ा और इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब स्टेटिस्टिक्स में मेनली आपको कितने यूनिट्स कवर करने हैं, तीन, 1, 2, 3। 1 और 2 है थोड़ा सा इजी, और 3 जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, राइट। फिर उसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने बोला था आपको 4 यूनिट्स पढ़ने पड़ते हैं। पहला यूनिट सबसे इजी है, इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में आपको सिर्फ बेसिक थ्योरी पढ़नी पड़ती है, इसमें कोई डायग्राम कोई ऐसा प्रैक्टिकल हार्डकोर नहीं होता। उसके बाद जो 2 यूनिट्स हैं वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि जो 15 नंबर का मैंने बताया था सेकेंड यूनिट, और 15 नंबर का आपका थर्ड यूनिट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे 3-3, 4-4 चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर के अंदर फॉर्मूले भी हैं, डायग्राम्स भी हैं, शेड्यूल्स भी हैं, एंड एनालिटिकल स्टोरीज भी हैं, तो डोंट वरी, वो सब चीज़ें मैं आपको कवर करवा दूंगा अपनी क्लासेस के अंदर सब कुछ। और जो लास्ट यूनिट होता है ये 6 नंबर का, ये एक छोटा यूनिट है, ईजी यूनिट है, इट इज़ मोर ऑफ डायग्राम्स, इसमें डायग्राम ज़्यादा होंगे, बट है ईजी कंपैरेटिवली। तो इस तरह से मतलब हमारा पूरा सिलेबस 80 मार्क्स का डिफाइन करा गया है, पहले इतना क्लियर हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी हम कोई चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे किसी भी एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, तो क्या ये पता होना ज़रूरी है कि उस एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, या फिर ये ज़रूरी नहीं होता? ज़रूरी होता है, ताकि हम अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से रखें, क्योंकि जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, तो हमें पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में हमसे वो पेपर किस तरह से पूछते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क दूंगा जो CBSE ने बच्चों के लिए, मतलब आपके लिए सजेस्ट करा है, कि जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपके स्कूल के अंदर भी टीचर्स उसी पैटर्न को ध्यान में रख के पेपर डिज़ाइन करते हैं। तो अब आप देखना, इसमें 3 मेन कैटेगरीज हैं, जैसे पहली कैटेगरी का नाम है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपको सिंपल याद रखना है, जिसको बोल सकते हैं रटना, थ्योरी। तो इसको टोटल इन ऑल आपको 44 मार्क्स की वेटेज के हिसाब से पेपर में पूछा जाएगा। तो लगभग 44 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके कैसे क्वेश्चंस होंगे, जिनमें आपको चीज़ों को याद रखना है, जिनमें आपको सिर्फ डेफिनेशन लर्न करनी है, या रटना है, थ्योरी होगा और वो लिखना है। इसके बाद जो 18 नंबर का आपका पेपर होगा वो होगा अप्लाइंग का। अप्लाइंग किसे बोलते हैं? व्हेन यू अप्लाई फॉर्मूला ऐसा, तो जैसे आप मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला लर्न करते हो और उसको फिर क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, तो ये आपके क्वेश्चंस होंगे जिनको आप कह सकते हो न्यूमेरिकल्स। तो 18 नंबर का पेपर होगा न्यूमेरिकल बेस्ड, एंड जो रेस्ट 18 मार्क्स का होगा उसको हम टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि उस कैटेगरी का नाम है एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो बुक का नहीं होता, वो एक इनडायरेक्ट लैंग्वेज के साथ केस स्टडी बना के, जैसे मैं कोई स्टोरी सुनाऊंगा आपको और उस स्टोरी को पहचान के आपको कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 18 मार्क्स के होंगे। तो मतलब अगर पेपर का डिजाइन अपने को बनाना हो, तो पेपर का डिजाइन कैसा बन गया? 44 मार्क्स का पेपर कैसा रहेगा? ईजी डायरेक्ट क्वेश्चन का। 18 मार्क्स का पेपर कैसा रहेगा? न्यूमेरिकल बेस्ड, जिसमें आपसे न्यूमेरिकल्स पूछेगा। तो जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है उसके लिए ईजी रहेगा, जिसको फॉर्मूला भूल गया उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड रेस्ट 18 मार्क्स का कैसा रहने वाला है? टफ, मतलब टफ बोल सकते हैं, आपके लिए टफ नहीं रहेगा। आपके लिए टफ क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपको मैं पढ़ा दूंगा, आपको तो सिखा दूंगा मैं सब कुछ। तो क्लियर हो गया पॉइंट? तो थोड़ा सा फ्रेमवर्क क्लियर है। अब आपको क्या काम करना है इम्पॉर्टेंट, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है बस, RKG इंस्टीट्यूट का। प्ले स्टोर तो चलाते ही होंगे आप, प्ले स्टोर तो हो गई सबके पास, है ना, तो उस पर हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड करना है। क्योंकि हमारे जो भी चैप्टर्स के MCQ बेस्ड टेस्ट होते हैं, वो सारे MCQ बेस्ड टेस्ट आपको हमारे ऐप के अंदर मिलेंगे चैप्टर वाइज, है ना। तो जैसे जैसे हम पूरे साल स्टडी करेंगे साथ साथ, तो हर चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस भी हम अपने ऐप के थ्रू करते हैं। इसके अलावा जो वर्कशीट्स होती है हर चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स की,
वो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा। और हमारे आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, एक क्लास नोट्स वो होंगे जो मैं आपको खुद रजिस्टर में लिखवाऊंगा, और एक क्लास नोट्स होंगे जो बुकलेट के फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और वो आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, वो डाउनलोड करना है आपको हमारी वेबसाइट से। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rkginstitute.com, ठीक है। तो बाकी आपको टाइम टू टाइम जो भी चीजें मैं सिखाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, बस आप मेरे साथ उसको फॉलो करते रहना, जो भी होमवर्क दूंगा उसको कंप्लीट करते रहना, और जब जब टेस्ट्स होंगे उनको जरूर देना, ठीक है। तो आपका इवैल्यूएशन अगर प्रॉपर रहता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लास में सही रहती है, और होमवर्क टाइम से कंप्लीट करते रहोगे, तो ये सब्जेक्ट आप, मेरे वर्ड्स हैं आपको, ट्रस्ट मी, वेरी इजी सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए। प्लस ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चे फुल में से फुल मार्क्स स्कोर करते हैं, और मानस तो इस बात का गवाह है, क्योंकि मानस की सिस्टर के भी इकोनॉमिक्स में कितने आए थे, फुल आए थे, है ना, 100 on 100 आए थे, एंड दैट टू इन क्लास 12th। तो बेस्ट एग्जांपल है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होने वाला है। क्लियर होगी कहानी पूरी, समझ आ गया सब्जेक्ट का क्या फ्रेमवर्क है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये था बच्चों मेरी तरफ से इस वीडियो के अंदर। आप अपनी तैयारी अगर पूरे साल मेरे साथ करना चाहते हैं तो आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अकाउंटेंसी के बेहतरीन रिस्पांस के बाद बच्चों इकोनॉमिक्स की भी तैयारी हमें पूरी अच्छी करनी है। बहुत सारे बच्चों ने अकाउंटेंसी के नोट्स, उसके स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर्स, वर्कशीट्स ऑलरेडी देख लिए हैं, और कंटेंट के अंदर आपको वो सारी चीजें दी गई हैं। तो इसी तरह इकोनॉमिक्स की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैंने नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ उस पर आपको क्लिक करना और फटाफट से आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करना है। बाकी बहुत ही जल्दी हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और प्लीज अपने लिए 2 रजिस्टर्स जरूर मेंटेन करना, जैसा मैंने वीडियो में भी बताया है, और फिर हम शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई नेक्स्ट वीडियो से। ऑल द बेस्ट। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा, तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है? और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है? मोटिवेशन चाहिए हम, हाँ बच्चों को, तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे क्या? नहीं करते, तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे ना, इनको मोटिवेशन मिलेगी ना, इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।